थिंक इंडिया के लिए कोई भी इनिंग आप अच्छा खेलो तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज भी ये इनिंग में भी ऐसे सिचुएशन था कि टीम का 150 पे 5 आउट हो गए थे और वहाँ से टीम को एक अच्छी पोजीशन पे लाके रखना तो वो भी एक बहुत ही चैलेंज की बात थी। और जयंत ने, अश्विन ने, दोनों ने और मैंने, तीनों ने मिलके बात करके इनिंग बिल्डअप किया और लकीली हमने अच्छा स्कोर बोर्ड पे खड़ा किया और हम अच्छी पोजीशन में हैं। मैं बोल सकता हूँ कि अगर अभी भी वो लोग 70 रन पीछे है और उनके 4 विकेट आउट हो गए तो मेरे ख्याल से जो भी वो टाइम था वो थोड़ा टफ टाइम था, वहाँ से रन बनाना और विकेट भी इतना बाउंस नहीं है, स्लो विकेट है तो थोड़ा मुश्किल था मेरे ख्याल से, जितना फर्स्ट इनिंग में विकेट होना चाहिए वैसा था नहीं। सेलिब्रेशन तो ये एक राजपूता का ट्रेडमार्क स्टाइल है तो बस वही मैं फॉलो करता हूँ, ज़्यादा कुछ तो इतना उसमें खास कुछ है नहीं। तो आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, ग्राउंड में तलवार नहीं लेके आ सकता इसलिए बैठ सकता। मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में सिचुएशन के ऊपर रहता है कि अगर आपकी टीम अपर सीट पे कि अपर एंड पे कि आप अच्छी सिचुएशन में हो तो ऑब्वियसली सामने वाली टीम स्ट्रगल करेगी। जैसे ही हम इंग्लैंड गए थे तो वो लोग, उनके स्पिनर भी ऐसे ही लग रहे थे कि ये मुरलीधरन बॉल डाल रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं यही कहूँगा कि ये सिचुएशन की बात होती है कि जिसका जो भी टीम का अपर एंड है वो टीम के बॉलर भी अच्छे लगते हैं, बैट्समैन भी अच्छे लगते हैं। एकदम बोरिंग सी भी लाइन डाल रहे थे आउट साइड ऑफ स्टंप ऑफ स्टंप ऑफ स्टंप, तो मेरे ख्याल से टाइम तो बहुत था कि टाइम की कोई कमी नहीं थी, तो बस यही सोच रहा था कि कुछ बॉलर को डिस्टर्ब करके आउटसाइड ऑफ स्टंप में अपने आप को जाके वहाँ से लेग स्टंप पे से दो ही फील्डर थे तो बस यही कोशिश कर रहा था। और लकीली वो ओवर में 4 बाउंड्री मिले और वो मैं जो शॉट पे मैं आउट हुआ वो मेरा शॉट है, वो मैं कभी भी वो बॉल पे छक्का मारता हूँ तो मुझे वो कॉन्फिडेंट था अपने आप। बट विकेट से बॉल थोड़ा स्लो आया तो उसकी वजह से इतना इम्पैक्ट जोर से लगा नहीं, तो वही एक कारण है। बाकी मुझे इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं है कि मैं वो शॉट पे क्यों आउट हुआ।